everyone, I'm back with the new cue card. So let's start with it. The cue card over here is talk about a TV show you like to watch. यहाँ पे हमें बात करनी है एक टीवी शो के बारे में जो हमें पसंद है. इसके अंदर जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं वो हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का क्या नाम है जो मुझे पसंद है. व्हेन एंड हाउ ऑफन डू यू वॉच इट, कब और अक्सर कब देखते हो आप, ठीक है. Who do you watch it with? किसके साथ देखते हो and why do you like to watch? और आपको क्यों पसंद है वही पर्टिकुलर शो के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो, दिस इज वॉट. सो हमें वैसे एज यू ऑल नो कि हमें वहाँ पे स्पीकिंग के अंदर एक मिनट का टाइम मिलता है, वी गेट वन मिनट टाइम टू प्रिपेयर. तो दिस इज वॉट आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स ऑल दैट उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए. यू कैन नोट डाउन पॉइंट्स फॉर द क्वेश्चन विच यू नीड टू स्पीक. कई बार क्या होता है हमें क्या होता है व्हेन वी स्पीक ना हम वी लूज द ट्रेन ऑफ थॉट. तो उसमें क्या होता है वी लैक विद आइडियाज और वहाँ पे हम फंबल्स करते हैं, पॉजेस लेते हैं. टू कवर अप दोस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप उन क्वेश्चंस के लिए पॉइंट्स लिख सकते हो. जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, मैंने D&D लिखा है. कब और कहाँ देखते हैं तो मैंने लिखा कि अक्सर मैं संडेज को ही देखती हूँ. और किसके साथ देखते हैं मैंने फैमिली को मेंशन किया. एंड आपको ये प्रोग्राम देखना क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे भी डांस बहुत पसंद है. सो मैंने ये क्लूज लिखे हैं. तो इन्हीं को यूज़ करके मैं यहाँ पे आपको दो मिनट का कंटेंट देने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. यहाँ पे नाउडेज आजकल क्या है, आई हार्डली गेट टाइम टू वॉच TV. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है. Hardly get time मतलब कि क्यों, तो मैं वो रीज़न दे रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक स्केड्यूल. मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहता है. तो आई लव टू वॉच, मुझे पसंद है डांस इंडिया डांस लिटिल चैंप्स. आई लव टू वॉच द शो नेम्ड डांस इंडिया डांस लिटिल चैंप्स. तो मैंने यहाँ पे अपना जो मुझे नाम देना था शो का मैंने वो मेंशन कर दिया है. देन अब मुझे बताना था कब मैं देखती हूँ. तो आई यूजुअली वॉच दिस प्रोग्राम ऑन संडे इवनिंग्स. वाई संडे इवनिंग्स, क्योंकि संडे इवनिंग्स को मैंने जैसे मेंशन किया हुआ है ऊपर कि मैं अपनी फैमिली के साथ प्रेफर करती हूँ. तो ऑब्वियसली संडे इज़ अ हॉलीडे डे, तो उस दिन क्या होता है सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे होते हैं और ये जो प्रोग्राम है संडे इवनिंग्स को टेलीकास्ट होता है फ्रेश एपिसोड के साथ. सो वी प्रेफर टू वॉच अलॉन्ग विद फैमिली एज दैट इज़ द टाइम वेन वी ऑल सिट टुगेदर. तो मैंने ये चीज़ बोल दी. अब क्या है मुझे बताना है कि मुझे ये पसंद शो क्यों है. बेसिकली वैसे तो मैंने ऊपर मेंशन किया था कि मुझे डांस पसंद है, बट मुझे उसके अंदर कुछ और एडिशंस देनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे वाई पूछा गया है. तो यहाँ पे आई बी एडिंग कि द शो इज अबाउट द डांस. ये डांस के बारे में है जिसमें कि प्रेजेंट किए जाते हैं चिल्ड्रन ऑफ यंग एज, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यंग चिल्ड्रन, छोटी एज के ही अराउंड आई थिंक 9 to 10 ईयर्स के ही चिल्ड्रन होते हैं जो अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं. सो हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन आल्सो दैट आई रिमेंबर एक कॉन्टेस्टेंट थी वहाँ पे शो के अंदर, शी वॉज अराउंड 4 ईयर्स ओल्ड आई थिंक सो, एंड शी डांस्ड ब्यूटिफुली मार्वसली यू कैन से. और शी वॉज सो एनर्जेटिक दैट शी परफॉर्म्ड ऑल द डांस परफॉर्मेंस सो वेल एंड शी वॉन द टाइटल of the show and she became popular star. Now she is being giving online classes as well, she's running a dance studio as well, so she's famous enough. So how she got the fame from, I mean she got famous from the show itself as she won the title of the show. तो अभी वो चीज़ है. तो यहाँ पे मुझे क्यों ये टीवी शो पसंद है, क्योंकि ये जो चीज़ है मुझे एक तो टीवी देखना पसंद वैसे भी पसंद ही रहता है फ्री टाइम में, बट ये जो शो है वो इंटायरली डिफरेंट है, पूरी तरह से डिफरेंट. आजकल टीवी पे चलता क्या ड्रामा थ्रिलर्स एंड ऑल, जो कि एक मोनोटनस रूटीन बन रखा है ना, आई डोंट लाइक दोज शोज, है ना. तो ये जो शो है विच इज़ डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, इसमें क्या है जो है शोकेस किया जाता है रियल हिडन टैलेंट जो है, जो बच्चों का लिटिल चैंप्स का लिटिल जेम्स ऑफ इंडिया के जो हैं उनका हिडन टैलेंट शोकेस किया जाता है. और मुझे ये शो इसलिए पसंद है क्योंकि आई ऑल्सो लव डांसिंग, आई लव
to dance, and dance is my passion, I can say. So I love the dancing tabs of the children when they dance on the different beats of the songs, and I love when they dance. So ऐसे ऐसे हम चीज़ ऐड ऑन करते जाएंगे. फर्दर मोर अभी है क्या एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे मैंने अपने बारे में बताना मुझे क्यों 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 मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे टैलेंटेड हैं एंड ऑल, क्योंकि टूडेज चिल्ड्रन आर टैलेंटेड इन अ वे दैट वी वर नेवर. हम तो ऐसे नहीं थे भैया, हमें ऐसा डांस आता ही नहीं था. वी वर नॉट एबल टू इमिटेट दी बॉलीवुड स्टार्स, बट दे नो ईच एंड एवरी हुक स्टेप ऑफ द डांस सॉन्ग एंड दे डांस सो वेल. वेन एवर दे डांस आई फील लाइक दैट दे डोंट हैव बोन्स इन द बॉडी, दे आर हैविंग फ्लेक्सिबल बॉडीज एंड दे डांस सो वेल ऑन द बीट्स. आई मीन दैट इज ट्रमेंडस, आई कैन से दैट. सो दिस इज वॉट आई कैन ऐड ऑन in this, and in the end I would like to say that it's wonderful show and would continue to watch it as it helps in relaxing my mind, and I love to watch it with my family as it is a good time pass as well. So that's all. This is how we can speak on this cue card. I think enough of the content is there for you all. You can mention over here. It is not mandatory कि आप डांस इंडिया डांस के बारे में बोलेंगे. You can mention about कपिल शर्मा शो, कॉफी विद करण, a lot more shows are there you can mention about. So it is not mandatory that यही बोलना है, but आपको जो बोलना है that has to be sufficient enough for 2 minutes. So I think I made my point clear. Thank you guys. Thanks a lot for your support. Keep supporting us. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for watching my video and showing your love towards us. Thank you.